1 जून 2020 से नोएडा अथॉरिटी द्वारा प्रॉपर्टी रिलेटेड सारी सर्विसेज पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई हैं। कोई भी आवंटी, कोई भी व्यक्ति pis.mynoida.in पर जाकर विभिन्न प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, चाहे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, चाहे नई लीज डीड कराई जानी है, चाहे मॉर्गेज सर्टिफिकेट है, नो ड्यूज है, CIC है, सारे प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट्स की जितनी भी सेवाएं हैं, लगभग 9 से 10 सर्विसेज हैं, ये पूरी तरह से अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। इनमें सर्विसेज में अब कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा, किसी भी सर्विस के लिए किसी भी व्यक्ति को नोएडा अथॉरिटी आने की ज़रूरत नहीं है। विभिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग टाइमलाइंस निर्धारित कर दी गई हैं, जो एवरेज 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन की है। और नोएडा अथॉरिटी के संबंधित विभागों का ये दायित्व रहेगा कि ये सभी सेवाएं जो निर्धारित अवधि हैं उसमें पूरी की जाए। इसके अलावा अगर सर्विसेज डिले होती हैं तो उसके संबंध में नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी संबंधित व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। इसके अलावा जो पेंडेंसी है, जो OSDs जो विभाग के जिनके द्वारा ये सर्विसेज इशू की जाएंगी, एडिशनल CEOs और मेरे स्तर पे भी रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि ये सर्विसेज निर्धारित अवधि में लोगों को मिले। दूसरा, नोएडा अथॉरिटी द्वारा एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया जा रहा है ताकि जो व्यक्ति खुद सर्विसेज अपलोड करने के लिए खुद सक्षम नहीं है, वो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पे ये हेल्प डेस्क स्थापित किया जा रहा है, वहाँ जाके अपनी सारी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करा सकते हैं ताकि वो ऑनलाइन आवेदन कर पाए। किसी भी सेवा के लिए अब ऑफिस में आना आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी अगर किसी को सर्विसेज निर्धारित अवधि में अगर नहीं मिलती हैं तो कंप्लेंट के लिए संबंधित OSD या एडिशनल CEO से वो कार्यालय दिवस में लॉकडाउन खुलने के बाद 10 से 12 के बीच में मिलके अपनी आवेदन कर सकते हैं। तो नोएडा अथॉरिटी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरा ये प्रयास किया जा रहा है कि कोविड के दृष्टिगत लोगों को कम से कम कार्यालयों में आना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए, और तीसरा, सर्विसेज ऑनलाइन होनी से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में निश्चय ही बढ़ेगी। धन्यवाद।